नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर देश के अलग अलग राज्यों के किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर पिछले 40 दिन से डटे हैं। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली से लगे गाजियाबाद और नोएडा से जोड़ने वाले गाजीपुर और चिल्ला सोमवार यानी कि आज बंद है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से आनंद विहार, डीएनडी, भोपुरा और लोनी बॉर्डर से होकर दिल्ली आने का सुझाव दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि सिंघू, आंचदी, प्याऊ, मनियारी, सबोली और मंगेश बॉर्डर बंद है। उसने कहा, कृपया लामपुर, साफियाबाद, पल्ला और सिंघू स्कूल टोल टैक्स बॉर्डर से होकर जाए। मुकरबा और जीटीके रोड पर भी यातायात परिवर्तित किया गया है। आउटर रिंग रोड, जीटीके रोड और NH44 पर भी जाने से बचे। इसी के साथ अगले ट्वीट में ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर नोएडा तथा गाजीपुर से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए बंद है। कृपया आनंद विहार, डीएनडी, अप्सरा, भोपुरा और लोनी बॉर्डर से होकर दिल्ली आए। टीकरी ढासा बॉर्डर पर यातायात पूरी तरह बंद है। यातायात पुलिस ने कहा कि झटिकारा बॉर्डर केवल हल्के वाहनों, दोपहिया वाहनों और राहगीरों के लिए खुला है। आपको बता दें कि किसान भारी बारिश और सर्दी के बाद भी आंदोलन को जारी रखे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हैं। देखने वाली बात होगी कि सरकार किसानों की बात मानती है या नहीं। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।